हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर परीक्षा प्रश्न पत्र 2021 के बारे में हम आपको यहां पर बताएंगे। और गाइज, यहां पर जो ये पेपर है एमए फाइनल एग्जामिनेशन 2021 का ये पेपर है गाइज। और यहां पर फैकल्टी की बात करें गाइज, पॉलिटिकल साइंस फैकल्टी का ये पेपर है। और यहाँ पर पेपर की बात करें तो ग्रुप ए पॉलिटिकल थ्योरी का पेपर है। और यहाँ पर पेपर ये है पेपर 7th 8th 5 पेपर है ये। और सब्जेक्ट की बात करें गाइज, यहाँ पर गांधीयन पॉलिटिकल थॉट सब्जेक्ट है। और गाइज, यहाँ पर टाइम की बात करें, यहाँ पर टाइम है 1 घंटा 30 मिनट का यहाँ पर टाइम था गाइज। और यहाँ पर हम मार्क्स की बात करें गाइज, तो यहाँ पर जो मार्क्स हैं गाइज वो यहाँ पर टोटल मार्क्स 100 है, लेकिन 2021 में यहाँ पर टोटल 50% का ये पेपर सॉल्व करना था आपको। और ये 1 घंटा 30 मिनट में ये 50% मार्क्स का पेपर सॉल्व करना था। इसके बाद गाइज, यहाँ पर दो इंट्रैक्शन लिखे हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों आपको ध्यान से पढ़ लेना है गाइज। इसके बाद गाइज, हम यहां पर आते हैं पार्ट फर्स्ट के बारे में, यहां पर आपको बताते हैं। पार्ट फर्स्ट मान लो या फिर ये सेक्शन ए मान लो, कुछ भी आप मान सकते हो। और यहां पर पार्ट फर्स्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज वो है, ईश्वर ही सत्य है, यह प्रत्येक मानव में है, एम सत्य ही ईश्वर है। गांधी जी के इस विचार से वे क्या संदेश देते हैं गाइज। पार्ट फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, गांधी जी का दर्शन किस मंत्र पर आधारित है। और इसका थर्ड क्वेश्चन है गाइज, गांधी जी के सत्य के संदर्भ में विचार बतलाइए। और इसका फोर्थ क्वेश्चन है गाइज, गांधी दृष्टिकोण में अधिकतर एम गांधी दृष्टिकोण में अधिकार एवं कर्तव्य समझाइए। और इसका फिफ्थ क्वेश्चन है गाइज, पूंजी के संबंध में गांधी जी के विचार लिखिए। और गाइज, इसका सिक्स्थ क्वेश्चन है, गांधी दर्शन में अहिंसा को समझाइए। गाइज, पार्ट फर्स्ट में टोटल 10 क्वेश्चन हैं, बाकी के 4 क्वेश्चन मैं डाउन स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चन दिख जाएंगे। और पार्ट फर्स्ट का गाइज, यहाँ पर 7th क्वेश्चन है, गांधी एम मार्क्स के विचारों में कोई दो अंतर बताइए। और इसका 8th क्वेश्चन है गाइज, वर्ण व्यवस्था पर गांधी के विचार स्पष्ट कीजिए। और इसका 9th क्वेश्चन है गाइज, औद्योगिकीकरण पर गांधी के विचार प्रकट कीजिए। और इसका 10th क्वेश्चन है गाइज, अस्पृश्यता निवारण पर गांधी दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। अब गाइज, हम यहां पर बात करते हैं पार्ट सेकंड के बारे में। तो पार्ट सेकंड का गाइज, यहां पर 11th क्वेश्चन है, यहां पर आर्थिक विकेंद्रीकरण पर गांधी के विचारों की विवेचना कीजिए। और इसका 12th क्वेश्चन है गाइज, अहिंसा व सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी के विचारों का विवेचन कीजिए। और इसके बाद मैं डाउन स्क्रॉल करता हूँ तो इसका पार्ट सेकंड का 13th क्वेश्चन है गाइज, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। और इसका 14th क्वेश्चन है गाइज, सत्य एवं अहिंसा की अवधारणा पर गांधी दृष्टिकोण के अनुसार प्रकाश डालिए। अब बात करते हैं गाइज, हम यहाँ पर पार्ट थर्ड के बारे में। तो पार्ट थर्ड का यहाँ पर 15th क्वेश्चन है गाइज, राम राज्य के संदर्भ में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और इसका 16th क्वेश्चन है गाइज, हरिजन शब्द के शाब्दिक अर्थ को गांधी दृष्टिकोण से समझाते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एम गांधी
वर्ण व्यवस्था को समझाइए। इसके बाद गाइज 17th क्वेश्चन है इसका, गांधी के अनुसार रोटी एवं श्रम मजदूर अवधारणा को लिखिए। इसके बाद 18th इसका क्वेश्चन है गाइज, राज्य एवं सरकार पर गांधी जी के विचारों का परीक्षण कीजिए। इसके बाद इसका 19th क्वेश्चन है गाइज, शिक्षा पर गांधी जी के विचारों की विवेचना कीजिए। और इसका लास्ट 20 क्वेश्चन है गाइज, शांति स्थापना एवं द्वंद्व समापन के गांधीय प्रतिमान की व्याख्या कीजिए। तो गाइज इस पेपर के बारे में मैंने आपको सारे क्वेश्चन यहां पर बता दिए हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो पर कमेंट करना और इस वीडियो को शेयर करना अन्य लोगों तक भी, ताकि अन्य लोगों को भी इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और यदि आपको इस वीडियो की, इस पेपर की आपको PDF चाहिए तो गाइज डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मैं टेलीग्राम चैनल में इसकी PDF सेंड कर दूंगा। धन्यवाद।